हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नॉक एट द केबिन फिल्म का रिव्यू करेंगे जो आज ही रिलीज हुई है सिनेमाघरों में। ये फिल्म 2018 में आई पॉल ट्रेम्बले की बुक केबिन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड पर आधारित है। ये एक एपोकलिप्टिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में हम एंड्रयू और एरिक एक कपल को देखते हैं। वो अपनी छोटी 8 साल की डॉटर वेन के साथ रिलैक्स करने के लिए जंगल के बीच एक केबिन में रहने आए हैं, लेकिन उनका वेकेशन लंबे समय तक आरामदायक नहीं रहता जब 4 अनजान लोग केबिन में घुस आते हैं। उनमें से एक है हमारे चाहते एक्शन स्टार बॉटिस्टा, जिनके किरदार का नाम है लियोनार्ड, और दूसरे हैं हैरी पॉटर के रॉन रूपर्ट ग्रिंट, जिनके किरदार का नाम है रेडमॉन्ड। लेनार्ड उनसे कहता है कि उसे और उसके इस ग्रुप को इस दुनिया के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। वो कहता है कि उन्हें विजन आया है कि इस दुनिया को बचाने के लिए आप तीनों में से किसी भी एक फैमिली के सदस्य को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और ये कुर्बानी अभी नहीं दी तो एक अपोकलिप्स आ जाएगा और लाखों लोग मरने लगेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसे ये डरी हुई फैमिली इस अजीब आफत का सामना करेगी और क्या वो अपनी छोटी हैप्पी फैमिली में से किसी का सैक्रिफाइस करेंगे ये दुनिया को बचाने के लिए, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी थिएटर्स में। फिल्म को डायरेक्ट किया है एज डायरेक्टर मनोज नाइट शामलान ने, जिन्होंने हमें द सिक्स सेंस, साइंस और अनब्रेकेबल जैसी मास्टरपीसेस दी हैं, और फिल्म को प्रोड्यूस किया है मनोज नाइट शामलान, मार्क बिनस्टॉक और अश्विन राजन ने। दोस्तों, सच कहें तो जितना ट्विस्ट एंड टर्न्स हम एम नाइट शामलान की फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब तो नहीं देखने को मिला, तो हम डिसअपॉइंटेड हैं। फिल्म का प्लॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट की है और ये प्लॉट को इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आती है। सीधी बात, नो बकवास। टाइट क्लोजअप्स, डच एंगल शॉट्स और अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से फिल्म इंटेंस लगती है। परफॉर्मेंस सभी के अच्छे हैं, खास करके हमारे डेव बातिस्टा का परफॉर्मेंस। बातिस्टा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अच्छे एक्शन सीन्स ही नहीं बट इमोशनल रोल्स भी खूबसूरती से कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रेस हमें किया 8 साल की क्रिटिन कुई ने। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है परफॉर्मेंस के मामले में। ओवरऑल ये फिल्म डिसेंट वन लोकेशन थ्रिलर मूवी है, बस मनोज नाइट शामलान के बेस्ट मूवीज में से एक नहीं बल्कि ओल्ड, जो उनकी लास्ट पिक्चर थी, वो इससे ज्यादा घुमावदार थी। फिर भी हमारा मानना है कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए बड़े स्क्रीन पर सबके अच्छे परफॉर्मेंसेस का आनंद उठाने के लिए। सो वेल फ्रेंड्स, ये था नॉक एट द केबिन फिल्म का रिव्यू। आपके लिए कोई थॉट्स हैं तो कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दें और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज करें। रिव्यू को मनोज नाइट शामलान और देव बातिस्टा के फैन दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।